तारीखी शहर बीदर, जिसे बहमनी सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया था। इसी तारीखी शहर में 1472 ईस्वी में मदरसा महमूद गावान का क़याम वजूद में आया, जहां दो सदियों तक तालीम का सिलसिला उरूज पर था। इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के जरिए 1989 ईस्वी में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का क़याम अमल में आया, और आज ये इदारा कामयाबी का रास्ता तय करता हुआ 14 रियासतों में 60 से ज़ायद मराकज की शक्ल में खिदमात अंजाम दे रहा है। ये इदारा, जो एक अहम मकसद के तहत 18 तलबा के साथ एक कमरे से आगाज हुआ था, तालीम का एक अहम मरकज बन गया है, जो तकरीबन 20,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात की जिंदगियों को रोशन करने में और 1,000 से ज़ायद असातिज़ा इनकी सलाहियतों को निखारने में मसरूफ़ हैं। सन 2017 ईस्वी से हर साल शाहीन कॉलेज बीदर कर्नाटक की सरकारी MBBS की 10%, जबकि हिंदुस्तान की सरकारी MBBS की 0.8% सीटें हासिल कर रहा है। ये इदारा कर्नाटक के सरफहरिस्त इदारों में से एक है, जो डॉक्टर बनने का ख्वाब रखने वाले तलबा व तालिबात को बेहतरीन तालीम फराहम कराने के लिए जाना जाता है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ड्रॉप आउट और हुफाज तलबा को दौरे जवाल के असरात से निकाल कर मरकजी धारे में लाने के लिए एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट AICU और हिफ्जुल कुरान प्लस कोर्स का आगाज किया है, जिसका मकसद ड्रॉप आउट और हुफाज तलबा आला तालीम हासिल करके मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर सके। ये एक ऐसा मुनफरिद और कामयाब तरीका है, जिसके ज़रिए ऐसे तलबा जो क्लास में मज़ामीन को समझने से कासिर हैं और उनको तालीम से जोड़ना और तलबा के अंदर पोशीदा तालीमी कमज़ोरी को दूर करके मज़ामीन को समझने के काबिल बनाना। ये 4 साला कोर्स, जिसे 3 मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया गया है, इस तरीक़े तालीम के ज़रिए 10 से 18 साल की उम्र के मदारिस के तलबा को नीट और दिगर पेशावराना इम्तहानात के साथ 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तहानात में शिरकत के लिए तैयार करना। AICU 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक का एक जामी निसाब है, जो मुल्क भर के तकरीबन 25 से ज़ायद मराकज में कामयाबी के साथ चल रहे हैं।
33 साल तजर्बे के साथ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने तालीम का एक कामयाब और काबिल नकल मॉडल बनाया है। मसलन शाहीन किड्स प्री प्राइमरी स्कूल, शाहीन वैल्यू स्कूल पहली तथा दसवीं जमात, शाहीन जूनियर कॉलेज NEET+ मुसाबकती इम्तहानात के क्रेश कोर्स के साथ सीनियर सेकेंडरी मरबूत, ड्रॉप आउट और मदरसा पास आउट के लिए एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट AICU, शाहीन ख्वातीन दिगर कॉलेज UPSC मरबूत, शाहीन सिविल सर्विसेज एकेडमी, शाहीन डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज, 11वीं और 12वीं क्लास के तलबा व तालिबात के लिए शाहीन फासिलाती तालीम का प्रोग्राम। अब्दुल कदीर साहब, जिन्होंने तालीमी मैदान में अपनी मकबूलियत का लोहा मनवाने में कोई कसर बाकी न रखा, यही नहीं बल्कि गैर तालीमी मैदान में भी कारहाए नुमाया अंजाम देते हुए समाजी जिम्मेदारियों और बनी नोए इंसान की खिदमात के लिए खुद को वक्फ कर दिया है, जो सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। मसलन COVID-19 के दौरान अवामी खिदमात के तौर पर तकरीबन 10,000 घरों को मुफ्त राशन के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम, जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों के लिए मुख्तलिफ तरह के आलात का इंतजाम कराना, गुटखा और दिगर नशा आवर अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम, स्वच्छता मिशन के तहत मुख्तलिफ मकामात की सफाई में हिस्सा लेना, ग्रीन बेदर मुहिम का प्रोग्राम, बेरोजगार नौजवानों के लिए कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का आगाज, ख्वातीन को रोजगार से जोड़ने के लिए कढ़ाई और टेलरिंग जैसे तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद, बीदर जिला में तमाम मजाहिब के लोगों के लिए जहेज मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का विजन समाजी और माली तौर पर पसमानदा लोगों को दस्तकारी और सनतकारी के मैदान में तरबियत देकर माली तौर पर खुद कफील बनाना है। रियासत भर में फिरका वाराना तशद्दुद को रोकने और आपसी मोहब्बत फैलाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। इंतहाई खुशी और शादमानी का मकाम है कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को उनकी समाजी और तालीमी खिदमात के अवज में काफ़ी सराहा गया और उनकी बेलोस खिदमात के सिले में सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से लातादात इनामात और एजाजात से नवाजा गया है। 2013 में कर्नाटक सूबाई हुकूमत की तरफ से सूबे का सबसे आला शहरी अवार्ड कन्नड़ राज्योत्सव अवार्ड नवाजा गया।